ये है इमू नाम का बदतमीज पक्षी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने आर्मी तक के पसीने निकाल दिए। दरअसल सन 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वार वन खत्म हुआ था, जिसमें रिटायर्ड फौजियों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जमीनें दी थी, जिस पर वो बड़े ही प्यार से फसलें उगाने लगे, दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए। लेकिन ये जमीनें ज्यादातर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1932 में इमू नाम के पक्षी ने इनकी फसलों पर हमला कर दिया। ये पक्षी कोई एक दो नहीं बल्कि 20,000 थे, मेरे सब्सक्राइबर से भी ज्यादा। धीरे धीरे इन पक्षियों ने सभी की जमीनों पर राज करना शुरू कर दिया और सारी फसलें बर्बाद कर दी। परेशान फौजियों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से मदद मांगी, आर्मियों की टीम दे दी गई और साथ में बंदूकें। लेकिन वो जैसे ही इमू को मारते वो वहां से भाग जाते। ये लड़ाई तकरीबन 6 दिन तक चलती रही, लेकिन आर्मी वाले बस 30-40 ही इमू मार पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। अंत में आर्मी ऑफिसर्स ने हार मान ली और इमू जीत गए।